वर्ष 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है और मोदी सरकार के नौ साल के सुशासन की क्या क्या उपलब्धियां रही इसे लेकर जनप्रतिनिधि जो है कार्यकर्ताओं के जरिए जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रेस वार्ता कर बताया जा रहा है कि आखिर क्यों तीसरी बार देश में पीएम के तौर पर मोदी जरूरी है। हमारे साथ विधायक राजेश नागर जी मौजूद हैं और आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र की प्रेस वार्ता की है। सर, 9 साल का सुशासन भाजपा कह रही है, विपक्ष कह रहा है कुशासन, तो कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये सुशासन भाजपा क्यों कह रही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर किसी का संगठन सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन है दुनिया में, भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, पार्टी को अपनी माँ की तरह मानता है और माँ की तरह उसका उसके ध्यान रखता है। और एक इतनी बड़ी बात, अगर हम बात करें तो हम पार्टी को, देश को पहले मानते हैं, फिर पार्टी को और फिर अपने आप को। और पार्टी पहले अपने आप को लेती है, फिर देश को, पार्टी को लेती है, फिर देश को। तो हमारे लिए देश सबसे सर्वप्रिय है और देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। उसी के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री अगर काम कर रहे हैं, अगर अमेरिका जा रहे हैं तो किस तरह से उनका एक स्वागत हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, विश्व में जा रहे हैं तो किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, एक देश का राष्ट्र प्रेसिडेंट उनका पैर छू रहा है। तो इस तरह की, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री हमारे और प्रेसिडेंट बाहर जाया करते थे, आया करते थे, इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह का स्वागत अपने आप, आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि भाई भारत को इस तरह से देखा जाता था, ट्रीट करा जाता था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा सम्मान ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमें मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। सर, जो आम व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, अगर उसका घर अच्छे से चलता है तो वो समझ लेता है कि देश अच्छे से चल रहा है। ये हम उस देश में रहते हैं जहाँ प्याज के बढ़ते दाम सरकार गिरा देते हैं, आज महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया, टमाटर के रेट आपसे छिपे नहीं है, तो ऐसे में इन तमाम चुनौतियों के बीच जनता का दिल तीसरी बार भाजपा कैसे जीतेगी? छोटे फेसिस के लिए कहता है कि प्याज के रेट बढ़ना, टमाटर के लिए, ये कोई परमानेंट रेट नहीं बढ़े, कोई कारण हो जाते हैं, कहीं बारिश आ गई, कहीं फसल में नुकसान हो गया, तो ये टेम्परेरी फेज होता है, रेट बढ़ना और कम होना, तो ये इस तरह के कोई बड़े इश्यूज नहीं है, ये जल्दी इसको कम कर दिया जाएगा। जैसे ही सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के ऊपर ये चीज़ें चलती है, जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो रेट अपने आप कम हो जाएंगे। और उसके बाद अगर गरीबों की बात करें तो ये जो अगर भारतीय जनता पार्टी है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो ये गरीबों को साथ देकर चलने वाली पार्टी, जो आखिरी पंक्ति में हमारा जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सब सुख सुविधाएं मिले, सारी उसको फैसिलिटीज मिले, तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों को देखा है, गरीबी सही है, उनको पता है गरीबी क्या होती है। तो जो जिसने गरीबी देखी है, गरीबी सही है, वही उसका समाधान निदान कर सकता है, क्योंकि उसको पता है किस तरह से गरीब लोगों को दिक्कतें आती है, किस तरह से गरीब लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया, ये कोई छोटी बात थोड़ी थी, और सबको फ्री में इंजेक्शन दिए गए, ये छोटी बात नहीं। हाईवेज की बात करो, अब दिन रात कितने हाईवेज 14 से और अब 23 में बने, और उससे पहले 60 साल में कितने हाईवेज पूरे भारत को मिले। कॉलेज की बात करें, एम्स की बात करें, पहले कितने एम्स थे, अब कितने एम्स हैं, और उसके अलावा शिक्षा की बात करें, पहले कितने कॉलेजेस थे और अब आप 6 साल में हमारे कितने कॉलेजेस हो गए। एयरपोर्ट की बात करो, पहले 60 साल में कितने एयरपोर्ट थे और अब ये 9 साल में कितने एयरपोर्ट और नए बनकर आए, छोटी बात थोड़ी है। विधायक जी, जब आपने ग्रेटर फरीदाबाद की सुध ली तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विश्वास आप में बढ़ा, ये विश्वास आने वाले 1 साल में और कायम रहे, इसके लिए क्या कुछ नई योजनाएं हैं जो आपको और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी? देखो, मैंने पहले भी बताया कि हमारी कुछ मांगे हैं, जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद नया सिटी, नया टाउन बन रहा है, तो हमारे 24 गांव हमारे नगर निगम में भी गए हैं, तो उसके लिए हमने मांग रखी कि हर एक गांव में कम्युनिटी सेंटर बने, और उसके अलावा एक टाउन पार्क हमारे को मिले, जो ग्रेटर फरीदाबाद में हमारे जो बच्चे युवा हैं उनको जाने का मौका मिले वहाँ, और एक इंटरनेशनल स्टेडियम, जो आज एक मांग है हमारे युवाओं की, जो कि भी एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वहाँ से हमारे युवा निखर कर आए और आगे हमारे प्रदेश का, देश का, हमारे जिले का, शहर का नाम रोशन करें। तो इस तरह से एक केंद्रीय विद्यालय की भी मांग रखी है हमने कि भी केंद्रीय विद्यालय हमें मिले, और उसके अलावा जो कनेक्टिविटी का काम है,
कि भाई जो हमारे रोड्स रह गई हैं इंटरनल्स रोड जो कुछ जिन पे काम चल रहा है और कुछ अभी टेंडर होने हैं वो सफाई रोड हमारी वो हमें मिले। बिजली के काम के लिए 2 सब स्टेशन हमें मिल चुके हैं, 1 सब स्टेशन की और हमने मांग रखी है कि भाई हमें एक सब स्टेशन और मिले। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो हमारे अभी होने हैं और वो आने वाले समय में होंगे। सर अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव भाजपा को गठबंधन में लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? गठबंधन के पक्ष में विधायक राजेश नागर की क्या प्रतिक्रिया है? आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग ये जानना चाहते हैं। ये तो हमारे केंद्र हाई जो हमारी कोर कमेटी है वो तय करेगी भाई किसके साथ लड़ना है किसके साथ नहीं लड़ना है, और हमारे प्रदेश के बड़े जो हमारे नेता है वो डिसाइड करेंगे कि किसके साथ हमें लड़ना है किसके साथ नहीं। तो देखिए विधायक राजेश नागर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे और आज मोदी के सरकार के 9 साल के सुशासन की उपलब्धियां जो है गिनवाई हैं, साथ ही साथ ये दावा किया है कि जिस तरह से 9 साल का शासन जो है मोदी सरकार का बेहतरीन रहा, देश का गौरव बढ़ा, इसी तरह वर्ष 2024 पे भी भाजपा हैट्रिक लगाएगी जीत की और इसी तरह से देश का मान बढ़ाएगी। आने वाले एक साल में तिगांव विधानसभा क्षेत्र में भी जो भी विकास कार्य किए जाएंगे विधायक राजेश नागर द्वारा, इसके बारे में भी जानकारी दी। और अब देखना ये होगा कि आने वाला एक साल जो भाजपा सरकार का है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर वो हरियाणा की सरकार हो, किस रणनीति के साथ लोगों का दिल जीतने के लिए सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ मैदान में उतरकर चुनावी रणनीति बनाई जाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।